अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। श्री महामति कहे मोमिनो ए घड़ा की बीतक आगे कहो परना की जो है हुकम हक जो है हुकम हक। श्री जी व महाराजा की भेंट। पहले सूरत सिंह सुनी अक्षरति धामदिनी श्री लालदासी के धाम हृदय से चाकनी ब्रह्मांड की उस बीतक का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से पन्ना जी में महाराजा छत्रसाल जी और श्री जी की भेंट होती है। इसके पूर्व के प्रसंग में आपने सुना है किस तरह से 8 महीने श्री जी मंदसौर में रहते हैं और शाही सेना सुंदर साथ को पकड़ना चाहती है क्योंकि इब्राहिम ने सबको भड़का दिया होता है। 8 महीने भिक्षा के अन्न पर सभी सुंदर साथ अपना गुजारा करते हैं। वहाँ से मंदसौर आते हैं, मंदसौर से औरंगाबाद और औरंगाबाद में सूरत सिंह ने श्री जी की पहली पहचान की। श्री जी के विषय में जो कुछ सुना आकर के जो छत्रसाल जी के भतीजे देवकरण जी हैं उनको बताते हैं, इसलिए उनको पैगंबर कहा, यानी सूरज सिंह को पहचान होती है पहले श्री जी की और कहते हैं कि चलो हम केतकी नदी के किनारे जो ठहरे हैं उनकी तुम पहचान कर लो तो तुम परवरदिगार को पा जाओगे, परमात्मा को पा जाओगे। अब सूरज सिंह देवकरण को ले जाते हैं श्री जी के चरणों में। देवकरण को पहचान होती है श्री जी के स्वरूप की। देवकरण जी सोचते हैं कि मेरे चाचा तो 12 वर्षों से विजयाभिनंद मूर्त निष्कलंक स्वरूप की बाट देख रहे हैं। अब ये पैगाम लेकर के जाते हैं कि यदि महाराजा छत्रसाल जी को मैं ये बात बता दूं तो कितने प्रसन्न होंगे क्योंकि वो उनकी बाट देख रहे होते हैं। जब श्री जी जागने कार्य में निकले तो विक्रम संवत 1728 में, अब समय है 1740 का, आज से 12 वर्ष पहले जब छत्रसाल जी चिंतित होकर के रात को सोए हुए थे स्वप्न देखते हैं कि कोई आकर उनके पास एक चांदी की मुहर दे गया है। नींद उठती है, खुलते हैं, देखते हैं तो सचमुच देख तो रहे थे सपना लेकिन उनके बगल में सचमुच चांदी की मुहर पड़ी हुई थी जिस पर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक की छाप पड़ी हुई थी। उसको गले में डाले रहते हैं और उनको विश्वास हो जाता है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो स्वरूप अवतरित हो चुका है अब वो मेरे से मिलने के लिए आने ही वाला है। और ये बात बलदीवान ये देवकरण जी को मालूम थी। महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे हैं देवकरण जी। घर में कोई विवाद हो गया तो नाराज होकर रामनगर आकर के रहने लगे थे और वहाँ राज्य के प्रशासनिक कार्य में सहयोगी बन गए थे। वो तो बहाने के लिए बहाने के रूप में किसी न किसी रूप से उनको बुलाकर संदेश वाहक बनाना था। अब श्री जी का ये संदेश लेकर महाराजा छत्रसाल जी के पास आते हैं, सारी बात बताते हैं और ये भी कह दिया कि चाचा इस बात का ध्यान रखना, प्राणनाथ जी के पीछे पीछे औरंगजेब की सेना चल रही है क्योंकि श्री जी ने सारे देश के राजाओं का आह्वान किया है कि औरंगजेब के अत्याचार से लड़ने के लिए देश के सभी राजा इकट्ठे हों लेकिन कोई औरंगजेब के डर से सामने अभी नहीं आ पा रहा है और यदि आप श्री जी को अपने यहाँ निमंत्रित करते हैं तो याद रखिए औरंगजेब से सीधी टक्कर होगी, आपको उनसे उसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। भला छत्रसाल जी क्यों डरने वाले थे, क्योंकि वो तो उन्हीं की बाट देख रहे थे। अब इधर से
देवकरण जी चलते हैं और कुछ समय के पश्चात लालदास जी और उत्तम दास जी छत्रसाल जी के पास पहुंचते हैं। मऊ से चल करके उनके पास भेंट करते हैं। जैसे ही छत्रसाल जी ने लालदास जी के मुख से भागवत के श्लोक सुने जिसमें विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान दी थी, छत्रसाल जी के अंदर इच्छा हो जाती है कि कब मैं श्री जी का दर्शन करूं। और अब जो दीवान देवकरण है सारी बात जब बता देते हैं तो लाल उनको छत्रसाल जी कहते हैं कि देवकरण जाकर के लालदास जी को और उत्तम दास जी को लेकर के आओ। अब इधर श्री जी के पास से जैसे ही दीवान देवकरण जी चले होते हैं, छत्रसाल जी को सूचना देते हैं। छत्रसाल जी के निर्देश पर वो लालदास जी और उत्तम दास जी को छत्रसाल जी से भेंट करवाते हैं और तब उनको भागवत के श्लोक सुनाकर लालदास जी प्रबुद्ध करने का जागृत करने का प्रयास करते हैं। अब इसी समय विशेष घटना हो जाती है। जब निर्देश मिलता है कि जाकर के अब श्री जी को लेकर आओ, श्री जी रामनगर से चलकर अगरिया आते हैं, अगरिया में पन्ना आते हैं, अगरिया से चलकर के पन्ना जी आते हैं। छत्रसाल जी उस समय है मऊसानिया में, क्योंकि छत्रसाल जी के राज्य की राजधानी थी मऊसानिया। उस समय आपको मैंने उस दिन की घटना में बताया था कि बुंदेलखंड में जो राज्य था दतिया का और जो उधर का, उसमें एक महा बहुत बड़े स्तंभ थे छत्रसाल जी के पिताजी चंपत राय। लेकिन किस तरह से आपको विदित है कि हिंदुओं ने आपस में धोखा करना जन्म से ही सीखा है। छत्रसाल जी के पिता की हत्या कराने वाला भी एक धंधेरा ही था, उन्हीं के खानदान से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। थोड़े से लोभ लालच में एक क्षत्रिय राजपूत दूसरे क्षत्रिय राजपूत का गला कटवाता था। यदि इस देश में जागरूकता रही होती, सभी मिलजुल करके रहे होते तो हजार साल की गुलामी क्यों झेलनी पड़ती। चंपत राय ने अपनी बहादुरी से औरंगजेब को सिंहासन पर बैठाया था, लेकिन वही औरंगजेब चंपत राय के प्राणों का प्यासा बन गया था और धंधेरों ने चंपत राय के विरुद्ध औरंगजेब के कान भरे, सब कुछ किया। परिणाम यह हुआ, अस्वस्थ अवस्था में छत्रसाल जी के माता पिता जी को अपना तन छोड़ना पड़ा था। स्थिति इतनी हो गई थी कि मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी। चंपत राय को लगा था कि अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, उनको बुखार था। जब उनकी पत्नी सारंधा ने देखा कि ये तो हमारे सारे सिपाही मारे जा चुके हैं, चंपत राय जी मुगलों के अधीन हो जाएं और वह उनको तड़पा करके अपमानित करके मारे, इससे अच्छा तो स्वतः मर जाना ठीक है। चंपत राय ने कहा कि सारंधा, मैं मुगलों से अपमानित होकर के मरना नहीं चाहता। तुमने सम्मान से जीवन सिखाया है, इसलिए ऐसा करो कि तुम अपने कटार मेरे अंदर भोंक दो। सारंधा सन्न रह गई कि मैं क्या करूं। चंपत राय ने कहा कि देखो, ये सम्मान से जीना है, मुगलों के हाथ से मरने से अच्छा है कि तुम मेरा प्राणांत कर दो, फिर तुम अपना भी प्राणांत कर लेना। यही हुआ। जैसे ही मुगल सैनिक चंपत राय को पकड़ने वाले थे, सारंधा ने अपनी तलवार से अपने ही पति के हृदय में तलवार भोंक दी। सेनापति देखता है कि अरे ये क्या हो गया, महारानी ने अपने ही पति को तलवार से मार दिया। देखते ही देखते सारंधा ने वही तलवार अपने ही पेट में घुसेड़ ली। मुगल सैनिक स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि आज तक हमने ऐसी बहादुरी नहीं देखी कि सम्मान के लिए दोनों पति पत्नी अपने ही हाथों अपने प्राण गंवा बैठते। भारत में सब कुछ था, वीरता थी, साहस था, धैर्य था, सब कुछ था, लेकिन एकता नहीं थी।
एकता की राह में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? स्वार्थ। हर कोई जब अपने छोटे से राज्य की वृद्धि देखता है, अपने देश की, अपने समाज के गौरव नहीं देखता, तो स्वार्थ पैदा होता है और उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को अवसर दिया जाता है। जैसे जयचंद ने मोहम्मद गोरी को अवसर दिया। यदि जयचंद अपनी सेना की सहायता गोरी को नहीं करता और यह भेद नहीं बताता कि पृथ्वीराज की सेना के आगे गायों को खड़ा कर दो, तो शायद पृथ्वीराज की कभी हार नहीं हो सकती थी। लेकिन ऐसे ही हुआ। मीर जाफर यदि धोखाधड़ी नहीं करता तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी साम्राज्य की नींव नहीं डाल सकता था। यदि मिर्जा राजा जयसिंह और मानसिंह औरंगजेब और अकबर की सहायता नहीं करते तो कभी भी भारत में इनका साम्राज्य सुरक्षित नहीं हो पाता। लेकिन भारत के ही लोगों ने अपने ही भाइयों को मारा, केवल किस लिए? थोड़े से स्वार्थ के लिए। इन्होंने कर्तव्य को नहीं देखा। मनुष्य को अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, लाभ को नहीं। यदि आप लाभ देखेंगे अधर्म की राह पर चलकर, तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। नहीं तो आप देखेंगे करोड़ों तो लोग रहते थे, उस समय भी भारत की जनसंख्या कई करोड़ थी, और आखिर हजार वर्षों तक क्यों गुलाम बने रहे? मोहम्मद गोरी कितनी सेना लेकर आया होगा, लेकिन जिसने पूरे भारत को जीत लिया। यहाँ के लोग क्या कर रहे थे? ब्राह्मण सोचता था हमें क्या लेने देना, हमारा काम तो पढ़ना पढ़ाना है। वैसे सोचते थे कि हमारा काम तो व्यापार करना है, हमें देश से क्या लेने देना। शूद्र सोचते थे कि हमको तो सबने तिरस्कृत कर रखा है, हमें क्या लेना देना है। और जो क्षत्रिय कुछ भाड़े के होते थे, वो आपस में लड़ कट कर एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार थे। किसी में एकता नहीं थी। देश के बारे में, समाज के बारे में, धर्म और संस्कृति के बारे में कोई नहीं सोचता था। सब अपने छोटे छोटे राज्यों के बारे में सोचते थे। इसी संकुचित मानसिकता के कारण देश हजार वर्षों तक गुलामी झेलता रहा है। और समाज को जागृति कौन करेगा? शिक्षा। शिक्षा कहाँ से फैले? जब मंदिरों में 24 घंटा घंटी घड़ियाल बजेंगे, पत्थर की मूर्तियों के सामने लड़कियों को नचाया जाता था कि ये देवदासियाँ हैं, भगवान को खुश कर रही हैं। देवता को खुश करने के लिए लोग अपनी लड़कियां दान देते थे, वे देवदासियां कहलाती थी। कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति नहीं। उन मंदिरों में किसी को पढ़ाया नहीं जाता था कि गीता क्या कहती है, वेद क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं। बस मूर्ति को भोग लगाओ, खाओ पियो सो, और कुछ श्लोक मंत्र रट लेते थे, उसी से बस मूर्ति को लगाना खिलाना पिलाना, यही भक्ति बन गई थी। ध्यान, साधना, तपश्चर्या, ज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि गुणों का अभाव हो गया था। इसी का परिणाम हुआ कि यह देश गुलाम रहा। हाँ, बीच बीच में छत्रसाल जी, शिवाजी जैसे लोग पैदा हुए, महाराणा प्रताप पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए, जिन्होंने उत्तम संस्कारों से युक्त होकर कुछ संस्कृत की रक्षा की। लेकिन याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म छतरी के समान उसकी रक्षा करता है। हिंदुओं का पतन क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू अपने धर्म से भटक गए। उन्होंने एक परमात्मा की भक्ति छोड़ी, वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना छोड़ा, चेतन परमात्मा की भक्ति छोड़कर जड़ मूर्तियों के ऊपर अपनी सारी श्रद्धा केंद्रित कर दी, और इससे भी अधिक शूद्र और नारी का तिरस्कार किया। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि राजस्थान के राजपूतों में वीरता तो थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति द्वेष था, और सबसे बड़ा दोष जो उनके अंदर आ गया था, चारित्रिक पतन का। राजस्थान खड़ा रहा तो वहाँ की नारियों के सतीत्व के कारण रहा। नारियों के सतीत्व ने राजस्थान को, देश को बचाए रखा। एक दो बार नहीं, हजारों छत्राणियाँ जब देखती थी कि हमारे पति युद्ध में मारे गए, तो चिता में जल करके मर जाती थी। चिता में जलकर मरने से अच्छा था कि उनको सैनिक शिक्षा दी जाती तो वो भी लड़ते लड़ते मरती। चिता में स्वयं अपने प्राणों की आहुति डालने से अच्छा है, जब कैकेयी युद्ध में जा सकती है, दुर्गावती युद्ध में जा सकती है, तो छत्राणियाँ युद्ध में क्यों नहीं जा सकती थी? लेकिन जब नारियों को शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, उनको केवल घर का चूल्हा बर्तन करने वाला साधन माना जाएगा, तो परिणाम क्या होगा? यही कारण है, देश की गुलामी का मुख्य कारण है
शिक्षा से समाज को वंचित करना, आज भी वही प्रक्रिया चल रही है। देश में लाखों मंदिर हैं, गली गली में मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी मंदिर से समाज को यह नहीं बताया जाता है परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। मैं समझता हूँ 99% मंदिरों में जाइए तो पुस्तकालय नहीं मिलेगा, 99% मंदिरों में कोई विद्वान नहीं मिलेगा जो धर्म के तत्व की व्याख्या करता हो, परमात्मा की भक्ति बताने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, उन मंदिरों में सजावट मिलेगी, खूब राजमहल की तरह सुंदर दिखेगा। परमात्मा जो प्राणियों के हृदय मंदिर में रहता है, चेतन की उपेक्षा हो रही है और जड़ की पूजा हो रही है। परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियाँ भूखो नंगों फिरती हैं, मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियाँ महलों में रहती है जिसको मंदिर कहा जाता है। उनको 56 भोग लगाए जाते हैं और सारी मानवता को एक बिना पतवार की नौका के समान नदी में डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस समय भी देश इसी विषम परिस्थिति से गुजर रहा था। महाराजा छत्रसाल जी चिंतित थे। अब श्री जी सब सुंदर साथ के साथ रामनगर से पन्ना चलते हैं। किलकिला नदी थी, आज भी किलकिला नदी है। किलकिला नदी के किनारे ठहर जाते हैं। आप जानते हैं गुरु नानक देव जी कहीं दातून भी किए होते हैं तो सिखों ने उनकी स्मृति में गुरुद्वारा बना दिया होता है। हमारा सोया हुआ समाज कुछ नहीं करता। जिस किलकिला की नदी के किनारे सब सुंदर साथ ने स्नान किया, आज किलकिला में शहर का गटर डाला जाता है, कोई सुरक्षा नहीं। आज किलकिला सुखी हुई सी है। हम अपने अतीत के गौरव की रक्षा नहीं करते। और तो और, बहुत प्रयास करने के पश्चात मऊसानिया में जहाँ श्री जी और छत्रसाल जी का मिलन हुआ था, जिस कुइयाँ के पास, वहाँ अब एक स्तंभ सा लगा दिया गया है। हम अपने गौरव के चिन्हों की भी रक्षा नहीं कर पा रहे। इसका कारण क्या है? हमारे में जागरूकता नहीं है। जागरूकता के न होने का कारण क्या है? शिक्षा का अभाव। जब धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, हमारे 400 मंदिरों को संचालित करने के लिए 400 विद्वान नहीं होंगे, साहित्य नहीं होगा, समाज में ब्रह्मवाणी की गूंज नहीं होगी, तो केवल घंटे घड़ियाल से आत्मा की जागृति कभी नहीं हो सकेगी। अब श्री जी जैसे ही सब सुंदर साथ के साथ किलकिला नदी के तीर पर आते हैं, नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत, देख अपना ठौर सुख पाए। सीधे लिखा है तिनमें सिरदार अक्षरातीत। पन्ना जी में कौन पधारा? स्वयं अक्षरातीत परम धाम की आत्माओं के साथ पधारते हैं। और वहाँ क्या था, सब सुंदर साथ उस नदी में कैसे स्नान करें, क्योंकि नदी का पानी विषैला हो गया था। एक पौराणिक कथा है कि एक बार बैकुंठ में लक्ष्मी और दुर्गा और गंगा के बीच में विवाद हो गया। आप जानते हैं बने लड़ते भी खूब हैं। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्युलोक में जाओ। श्राप तो दे दिया, लेकिन दोनों उदास हो गए कि क्या हमें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। विष्णु भगवान ने कहा कि चिंता न करो, स्वयं परब्रह्म आने वाले हैं, उनकी चरण धूलि से तुम पवित्र हो जाओगे। गंगा के लिए हरिद्वार में गए तो गंगा का उद्धार हुआ। अब लक्ष्मी किलकिला नदी के रूप में प्रवाहित हो रही थी पन्ना जी में, इसलिए सुंदरी तंत्र में कहा गया है पद्मावती केन सरदे विंध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यत कलयुगे। पद्मावती कहते हैं लक्ष्मी को, यानी लक्ष्मी जी वहाँ केन सरते पृष्ठे विराजिता किलकिला नदी के रूप में। पद्मावती जी का मंदिर है, आज भी जाएंगे पन्ना जी में तो बैजूराज मंदिर के पीछे पद्मावती का मंदिर है। पद्मावती यानी लक्ष्मी जी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी किलकिला नदी के रूप में प्रवाहित हो रही थी। उनका जल, उस नदी का जल उस समय विषैला था, कोई भी व्यक्ति पी लेता था तो प्राण छोड़ देता था। जैसे ब्रज लीला के समय यमुना जी का जल विषैला हो गया था काली नाग के विष से, इधर भी यही स्थिति थी।
सब सुंदर साथ जैसे किलकिला के तट पर पहुँचते हैं, वहाँ के आदिवासी जो गौर लोग थे दौड़ते हुए आए और कहे कि हे साधु महात्मा, इस नदी का जल मत पीना, क्योंकि इस नदी के जल को पीते ही प्राण चले जाते हैं। लेकिन सुंदर साथ को तो अपने धाम धनी पर अटूट विश्वास था। उन्होंने श्री जी के चरण कमल को धोया और उस जल को किलकिला में प्रवाहित कर दिया और सबको अटूट विश्वास था कि श्री जी के चरणों के चरणामृत से निश्चित है कि नदी का विष दूर हो जाएगा। और धाम धनी की कृपा हुई, सबने उस जल में स्नान किया, उसका जल का पान भी किया। क्यों? क्योंकि जिनके साथ स्वयं अक्षर अतीत हो उनके चरण की धूलि से तो वो पवित्र होना ही था, विष जाना ही था। अब संध्या आरती में वही तो गाया जाता है कि विष की नदियाँ अमृत किन्नो, विष की जो किलकिला नदी थी उसका जल अमृत के समान कर दिया। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज से 300 वर्ष बाद किलकिला का अस्तित्व मिटने की तरफ चल पड़ा है। शहर की गंदगी उसमें डाली जाती है और गर्मी में वो किलकिला नदी सूख जाया करती है, लेकिन समाज का ध्यान उस पर नहीं रहता कि हम अपने अतीत के गौरव का स्मरण कराने वाली इस नदी की स्वच्छता पर कुछ ध्यान दें। शहर के गटर को कहीं और डालें या उसको उसके जल को संशोधित कर उसको सालों भर बहने के लिए बहाएं, नदी के किनारे सुंदर वृक्ष लगा दें, कोई आकर देखे तो कहे कि प्राणनाथ जी यहाँ आए थे, कोई बाहर का दूसरे पंथ का व्यक्ति आएगा तो उसको क्या मिलेगा कि किलकिला नदी यही है, यहाँ तो कोई स्मृति चिन्ह भी नहीं मिलता। अब श्री जी ने वहाँ से संदेश भिजवाया महाराजा छत्रसाल जी के पास। पन्ना जी से लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर मऊसानिया है और जैसे ही श्री जी ने संदेश भिजवाया कि छत्रसाल मैं पन्ना जी आ चुका हूँ तुम आ जाओ, छत्रसाल जी ने कहा कि धाम धनी मेरा आ पाना वहाँ संभव नहीं है, क्योंकि अफगन खां ने भारी सेना लेकर मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया है, मैं जनता की सुरक्षा के लिए वहाँ कैसे आ सकता हूँ। यदि आपके चरण कमल यहाँ तक आ जाए तो जितने वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको वहीं छोड़ दिया जाए। आप यदि मऊसानिया आकर के दर्शन दें तो मैं धन धन हो जाऊँगा। छत्रसाल जी के बचपन की कहानी भी बहुत करुणामयी है। मैंने पहले ही उस दिन बताया था आपको कि किस तरह से चंपत राय ने औरंगजेब की अधीनता में रहने से मना कर दिया था सारंधा की प्रेरणा से। एक घोड़े के ऊपर विवाद खड़ा हुआ था, चंपत राय बुंदेलखंड आकर के रहने लगे थे और मुगल सेना उनका पीछा करने लगी थी। चंपत राय के बारे में सारा भेद देने वाला धंधेराय था। एक बार महाराजा छत्रसाल जब छोटे थे, जन्म ही हुआ था, मुगल सेना ने अचानक धावा बोल दिया। परिणाम यह हुआ कि चंपत राय और उनकी पत्नी सारंधा दोनों जल्दी में निकल गए, भाग गए अपने घोड़े के साथ। छत्रसाल जी वहीं पड़े रहे। मुगल सेना ने चप्पा चप्पा खोज डाला लेकिन उस बच्चे पर उनकी नज़र नहीं गई। जाको राखे साइयाँ मार सके न को, बाल न बाका हो सके जो जग बैरी हो। एक बार ऐसे ही और घटना घटी। सारंधा और चंपत राय फिर पुनः छत्रसाल के साथ घिर गए। उन्होंने एक बार ऐसी घटना घटती है जब मुगल सेना चंपत राय को घेर लेती है तो उस समय भी चंपत राय जी ने सारंधा को अपने घोड़े पर बैठाया और नाले को पार कर लिया। उनको प्रेरणा कैसे मिली? उन्होंने देखा कि किस तरह से एक छोटा सा जानवर नदी को पार कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसी दृढ़ता के बल पर उन्होंने नदी को पार कर लिया था। जब मनुष्य में साहस होता है तो साहस से असंभव कार्य भी संभव कर देता है। श्री जी के पास जब संदेशा आता है तो श्री जी सब महिला सुंदर साथ, युवा सुंदर साथ को, महिलाओं को, वृद्धों को छोड़कर युवाओं के साथ चल पड़ते हैं वहाँ महाराजा छत्रसाल जी से मिलने के लिए मऊसानिया।
वहाँ जाकर के बैठे रहते हैं और तब महाराजा छत्रसाल जी किस भेष में आते हैं? एक बहुत से अनपढ़ गंवार के भेष में, जैसे शिकार करने वाला हो उस अवस्था में भेष धारण करके आते हैं कि ये कौन है, क्योंकि शत्रु से सावधान रहकर ही अपनी सुरक्षा की जा सकती है। ये नीति का कथन है। चाणक्य ने जो नीति शास्त्र बनाया है उसमें ये लिखा है कि राजा कभी सोए भी तो अकेले निहत्थे होकर के न सोए, उसका अस्त्र उसके साथ होना चाहिए। अपनी सेना के सामने जाए तो भी निहत्थे होकर के नहीं जाए। उसका भोजन बनाने वाला भी हमेशा बदलते रहना चाहिए, उसका शयन कक्ष भी बदलते रहना चाहिए। कौन शत्रु कब आकर के धोखा कर जाए, जब जब इन नियमों की उपेक्षा होती है तभी तभी खतरे की घंटी बज जाती है। महाराजा छत्रसाल अब एक चरवाहे के भेष में, जैसे कोई शिकारी होता है चरवाहे के भेष में आकर के दूर से पहले तो देख करके चले गए होते हैं, फिर दोबारा आते हैं और देख करके श्री जी के पास आकर के बैठ जाते हैं, दूर से बोलेंगे। आज आपको विदित है कि आज रक्षाबंधन का दिन है और आज ही के दिन महाराजा छत्रसाल जी और श्री जी की भेंट होती है। प्राचीन काल में बृहस्पति ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। आपने शकुंतला दुष्यंत की कहानी में पढ़ा होगा कि भरत के गले में एक रक्षा सूत्र था और जो उसके माता पिता के अतिरिक्त कोई अन्य छू देता था उसे तो सर बन करके काट लेता था, और कुछ नहीं था, ये ऋषि का संकल्प था, मरीचि ऋषि का। रक्षा सूत्र क्या है? एक शुभ संकल्प, कोई ऋषि मुनि योगी यदि रक्षा के लिए आशीर्वाद दे देता है तो उसकी सुरक्षा अवश्य होती है, क्योंकि उसका वचन मिथ्या नहीं जाता है। आज ही के दिन आप देखेंगे जो महाराजा छत्रसाल और श्री जी का मिलन होता है, श्री जी उनको उनके सिर पर अपना वरद हस्त रखेंगे कुछ दिनों के पश्चात, और कैसे उनकी विजय होती है ये तो घटना आप सुनेंगे बाद में। अब किस तरह से सुनिए कि महाराजा छत्रसाल जी उनको जाकर के बोलते हैं। तो अब इस खुशी के अवसर पर नारियल फोड़ा जाता है। नारियल फोड़ा क्यों जाता है? उस युग में पटाखे तो हुआ नहीं करते थे, नारियल फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की जाती थी और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। तो जैसे चौपाई बोली जाएगी बाबा जी राम राम, जैसे इस श्रवण जी पढ़ेंगे तो आप लोग अपने नारियल को लेकर के फोड़ सकते हैं। अब वो प्रसंग आ गया है, सब सुंदर साथ अपने नारियल लेकर के खड़े हो जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कही बाबाजू राम राम, बाबा बैठो इत आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महाराजा छत्रसाल जी दूर से श्री जी को कहते हैं बाबा जू राम राम, श्री जी भी कहते हैं कि बाबा जू राम राम यहाँ आकर के बैठो। आपको पता है कि महाराजा छत्रसाल जी चौकन्ने थे कि पता नहीं ये जो मुझे बुला रहे हैं ये कौन है, क्योंकि उस युग में हमेशा धोखाधड़ी हुआ करती थी। भारतीय संस्कृति की कहानी अलग है। क्षत्रियों में ये परंपरा थी कि निहत्थे पर वार नहीं करना, लेकिन मुगलों का इतिहास ऐसे ही रहा है, इन्होंने हमेशा छल से कपट से निहत्थों पर वार किया और अपनी विजय पताका फहराई। छत्रसाल जी के पूर्व जन्म की कहानी भी ऐसे ही है। उस पूर्व जन्म में भी वो भी सारंधा के पुत्र ही थे। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, बचपन की अवस्था थी, लगभग 15 वर्ष 13-14 साल की अवस्था हो रही होगी। अचानक मुगल सेनापति ने देख लिया कि ये तो चंपत राय का बेटा है, तो उन्होंने मुगल सेनापति ने सैनिकों के साथ उसी समय धावा बोल दिया। अब एक जो
तालाब में स्नान कर रहा हो, आकर कपड़े पहने, तलवार उठाए, तब तक तो कई सैनिकों के साथ उन्होंने छत्रसाल जी का पूर्वजन्म में वध कर दिया था। सरंधा को बहुत दुख हुआ। उसी रात स्वप्न में छत्रसाल जी के जीव ने कहा कि माता चिंता न करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे गर्भ में आ रहा हूँ। यानी पूर्व का संस्कार बना हुआ था कि मुझे किस तरह से स्नान करते समय तालाब में छिपकर मुसलमानों ने मारा था। अब इस जन्म में वो जीव तो चौकन्ना रहेगा, क्योंकि जीव का संस्कार पूर्व जन्मों से चला आ रहा होता है। अब श्री जी बुलाते भी हैं कि बाबा यहाँ आकर के बैठो, तो थोड़ा और आ जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। छत्रसाल जी को पुनः श्री जी कहते हैं कि मेरे बिछौने पर बैठो, अब तुम कहाँ जाओगे, तुम तो मेरे फंद में पड़ गए हो। छत्रसाल जी भला कहाँ सहन करने वाले थे। उन्होंने अपने गले में जो ये प्राणनाथ जी की जो विजयाबनंद बुद्ध निष्कलंका अवतार का जो चित्र था मुहर के ऊपर, उस मुहर को उन्होंने गले में डाल रखा था। कहा कि देखिए, इस ब्रह्मांड में विजयाबनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के कोई भी मुझे अधीन नहीं रख सकता, कोई फंदे में रखने वाला नहीं है। श्री जी ने कहा कि क्या यदि वो सामने आ जाए तो तुम इन्हें पहचान लोगे। इस पर महाराजा छत्रसाल जी ने अपने उचित गले में पहनने वाली जो मुहर थी उसको दिखाया। श्री जी ने कहा कि देखो, मैं जिस बिछौने पर बैठा हूँ इसको हटाओ। तो जैसे ही छत्रसाल जी ने हटाया, वहाँ एक नहीं कितनी मुहरें वैसी रखी हुई थी। दोनों मुहरों से मिलान किया और जब देखा कि ये तो वही हैं, फिर अब क्या करते हैं, सिर नीचा किए तुरंत वहाँ से भाग छूटे कि मैंने साक्षात जिनको मैं 12 वर्षों से खोज रहा था वही आए बैठे और उनसे मैंने कितनी रुखी भाषा में बातें की। अंदर जाए के महल में कहते हैं कि जिसको दर्शन करना हो सब कर आए, आज छूट है, कोई पर्दा नहीं करना है किसी से, क्योंकि कौन है, आया परवरदिगार, सबके पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आए हैं, आप निसंकोच होकर कोई भी महारानी जो भी दर्शन करना चाहे दर्शन कर सकती हैं। लेकिन जो बड़ी रानी थी देवकुंवरी, उन्होंने कहा कि नहीं, महाराजा छत्रसाल जी की 3 रानियां थीं, देवकुंवरी सबसे बड़ी थी और सुशीला महारानी दूसरे नंबर पर थी और तीसरी रानी थी कमलाबाई। और देवकुंवरी भी आजकल की लड़कियों जैसी नहीं थी। आपको मालूम होगा, एक बार महाराजा छत्रसाल जी युवावस्था में कहीं घूम रहे थे, एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। उसमें छत्रसाल जी के ऊपर, छत्रसाल जी अभी तैयार हो पाते इसके पहले देवकुंवरी अभी बालिका थी, उसने तीर से उसको अकेले ही मार डाला था। तब उनकी बहादुरी पर खुश होकर के महाराजा छत्रसाल जी रिझ गए थे और दोनों का विवाह हुआ था। तो देवकुंवरी भी वीरांगना थी। आज देश की युवा पीढ़ी में वीरता के संस्कार चाहिए। मानव को या तो भक्ति में लगना चाहिए या वीर बनना चाहिए। कायर बनने से अच्छा है इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं होना। दानी बनो, धर्मात्मा बनो, वीर बनो या भक्ति बनो। महाराजा छत्रसाल जी ने जैसे ही अपने महल में सूचना दी, जो बड़ी रानी देवकुंवरी थी ब्राह्मणी का वेश धारण करती है और कुछ अपनी सहेलियों को साथ लेकर के दूर से देखती है कि सचमुच यही प्राणनाथ जी हैं, कहीं धोखा तो नहीं है कि कहीं मेरे पतिदेव धोखा न खा जाए, क्योंकि उनको डर लगा रहता था कि मुगल सैनिक कभी भी भेष में बदल करके आ सकते हैं और खतरा कर सकते हैं। इसके पश्चात महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी सेना को आगे चलाया। चाचा बलदीवान भी लगे, जैसे राजसी ठाट बाट के साथ अगवानी की जाती है, उसी समय श्री जी को सब सुंदर सबको महाराजा छत्रसाल जी अपने राजमहल के अंदर बाजे गाजे से ले आए। अब श्री जी के चरणों में महाराजा छत्रसाल जी ने अपना सिर रख दिया
और जैसे ही प्रसन्न होकर कहने लगे कि मैं आज धन हुआ, उसी समय अफगन खान ने बिगुल बजा दिया। और आप जानते हैं कि जब शत्रु बिगुल बजा देता है तो राजपूत घरों में रह नहीं सकते। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि धामधनी, लगता है कि इतने ही समय के लिए आपका दर्शन था। शत्रु के पास 8,000 सेना है, जिसमें 3,000 घुड़सवार हैं, और मेरे पास गिने चुने केवल 1,000 के सैनिक हैं। हम उनका मुकाबला कहाँ कर पाएंगे? श्री जी ने हंसते हुए कहा कि छत्ता, तुझे चिंता नहीं करनी है, तुम्हारे सिर पर मैं हर पल रहूँगा और विजय तुम्हारी ही होगी। महाराजा छत्रसाल जी के सिर पर श्री जी ने अपना रुमाल उड़ा दिया और वरदहस्त अपना रख दिया। ये आज की घटना है। जैसे कभी पूर्व काल में देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। दो कारणों से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। एक तो प्राचीन काल में बृहस्पति ने जिस तरह से देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था और असुरों का संहार हुआ था। दूसरे मुगल काल में हिंदू युवा कन्याओं को बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लिया करते थे, पत्नी तो नहीं हरम में रख लेते थे। जैसे अकबर के हरम में 500 अवैध स्त्रियां थीं, किसी से विवाह नहीं किया, अपने भोग विलास के लिए रखा था। वाजिद अली शाह जो लखनऊ का नवाब था, उसके हरम में 365 स्त्रियां थीं, प्रत्येक दिन के लिए एक अलग स्त्री। आप सोचिए इन मुगलों का जीवन कितने विलासिता से युक्त था। ऐसे समय में जब देश हजारों वर्षों तक गुलाम बना रहा, हिंदू बालिकाओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए ये सूत्र बांधना शुरू किया कि हमारी गरिमा की रक्षा हो सके। तब से ये बहनों का त्यौहार बन गया। अन्यथा ये प्राचीन काल से आशीर्वाद का त्यौहार था, जो ऋषि मुनि ब्राह्मण का तात्पर्य जन्म से ब्राह्मण नहीं, त्याग तप में जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व होते थे, अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधा करते थे कि आपका कल्याण हो। अब श्री जी ने कहा कि छत्रसाल, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ पल पल हूँ। महाराजा छत्रसाल जी ने देखा कि अफगन खां रात्रि के अंधकार में नाच गान में मस्त है। उनको अंतःप्रेरणा हुई और उसी समय छत्रसाल जी ने हमला बोल दिया। रात के अंधेरे में 8,000 सैनिक थे, उनमें भगदड़ मच गई, काफ़ी सैनिक मारे गए। अब द्वंद्व युद्ध होने लगा छत्रसाल जी में और अफगन खां में। जब महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी तलवार का प्रहार किया तो अफगन खां बहुत फुर्तीला सेनापति था, उसने झुककर छत्रसाल जी के वार को बचा लिया। और इसमें उसको अवसर मिल गया छत्रसाल जी पर वार करने का। जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई, उसके हाथ से तलवार छूट गई, जैसे पीछे से किसी ने उसके तलवार को छीन लिया हो उसके हाथ से। थोड़ी देर में महाराजा छत्रसाल जी की तलवार अफगन खां के सीने पर थी और वो हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था कि मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। कितने सभी सैनिक उसके बंदी बना लिए गए, क्योंकि छत्रसाल जी के सेना के सभी लोगों ने कहना शुरू किया कि ये जो बैरागी महात्मा आए हैं, इनकी शक्ति को हम तब मानेंगे जब हमारी विजय हो, क्योंकि दुनिया को क्या चाहिए? चमत्कार। छत्रसाल जी के पास केवल 1,000 सैनिक और अफगन खां के पास 8,000 सैनिक, 8 गुना ताकत लेकर के आया है, जबकि उसके पास घोड़े 3,000 थे। छत्रसाल जी के पास तो 500 भी घोड़े नहीं होंगे, कुछ पैदल सैनिक, कुछ घुड़सवार मिलाकर सब जमा पूंजी 1,000 सैनिक। सबको ये लगा कि नहीं, बिना प्राणनाथ जी की कृपा की ये जीत तो हो ही नहीं सकती। पूरे महल में खुशी फैल गई। अब जितने युद्ध में जो भी हानि हुई थी, उस संधि वार्ता में उसको कैदखाने में डाल दिया गया। फिर किसी तरह से चारों ओर से आग्रह करके छत्रसाल जी की कैद से अफगन खां को छुड़ाया गया। अब श्री जी पुनः चले आते हैं पद्मावतीपुरी, पन्ना जी, वही किलकिला के घाट पर जहाँ पहले आए थे, वहाँ ही रुक जाते हैं। राज्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए
महाराजा छत्रसाल जी कुछ दिनों तक मऊसानिया रहते हैं और बाद में वहाँ आते हैं। जो मछली रानी है, मछली रानी पहचानती है कि इनके स्वरूप में स्वयं परमात्मा की शक्ति लीला कर रही है, इसलिए उसी भाव से मछली रानी, जिनका नाम था सुशीला महारानी, उन्होंने श्री जी की सेवा की। दोपहर का समय था, उधर से प्राणनाथ जी स्नान करके भोजन के लिए तैयार बैठे थे, महाराजा छत्रसाल जी भी आ गए, उनके साथ कुछ और सैनिक भी थे, महल के जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे वो थे। सबने श्री जी के भोजन के श्री जी के साथ भोजन प्रसाद लिया। श्री जी के भोजन के पश्चात महाराजा छत्रसाल जी ने भोजन लिया। श्री जी के चरणों पर महाराजा छत्रसाल जी ने अपने दोनों सिर रख दिए और तारतम ज्ञान ग्रहण किया कि धाम धनी, आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी ने तारतम का पट देखा, जिसमें पाताल से लेकर परम धाम तक की पहचान दी गई थी, उनकी आत्मा जागृत हो जाती है और दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमें तो केवल धाम धनी के चरण कमल चाहिए, हमें दुनिया का राजपाट नहीं चाहिए। अब सुशीला महारानी ने और महाराजा छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी को पालकी में बैठाया और कंधे पर लेकर के चोपड़ा जी की हवेली तक पहुँचे। आप सोचिए, उस समय कोई रास्ता नहीं था, उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर चोपड़े की हवेली में ने तहाँ पधराई श्रीराज चले आप सुखपाल ले कांत पर कुंवर महाराज। कितना बड़ा सम्मान तो क्या, जो अपना सर्वस्व निछावर कर देगा वही तो पालकी में बैठकर स्वयं बैठा कर श्री जी को स्वयं कहार बने हैं महाराजा छत्रसाल जी, और श्री जी को चोपड़े की हवेली में ले जाते हैं। उस दिन इतने प्रसन्न हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। एक तरफ महारानी है कहार बनकर और एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी हैं। कोई कर्मचारी नहीं रखा, ये होती है श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा एक बार छत्रसाल जी ने और दिखाई थी, वो तो ब्रजभूषण कवि के लिए। शिवाजी के दरबार में ब्रजभूषण कवि रहा करते थे, ब्रजभूषण कवि की पालकी थी, वो भी जा रही थी, महाराजा छत्रसाल जी से मिलने के लिए आ रहे थे। जब महाराजा छत्रसाल जी को पता चला कि इस पालकी में ब्रजभूषण कवि हैं, तो चुपके से अपना कंधा लगा दिया। जब ब्रजभूषण को पता चला कि जिन महाराजा छत्रसाल जी से मैं मिलने आ रहा था उन्होंने अपना कंधा लगा दिया, तो उनके मुख से बरबस से निकल पड़ा कि सिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को। ये महानता होती है। जब प्रशासनिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता का सम्मान करती है तो उसमें वृद्धि होती है, लेकिन जब सत्ता का मध्य छा जाता है कि हम मंत्री हैं हम राजा हैं और वो आध्यात्मिकता का अपमान करती है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। महान व्यक्तित्व ही किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का सम्मान कर सकता है, और छत्रसाल जिनके अंदर परम धाम की शाकुंडल की आत्मा है, तारतम तो कईयों ने लिया होगा, जागनी तो कईयों की हुई होगी, लेकिन शाकुंडल और शाकुमार पर मुद्दा है। पहले आपने सुना कि किस तरह से दिल्ली में शाकुमार की आत्मा को जगाने का प्रयास किया गया था। सदगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी ने श्री मिहिराज जी को बार बार कहा था कि मिहिराज शाकुंडल और शाकुमार जब जग जाएंगे तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए श्री जी सबसे पहले इन दोनों को जगाना चाह रहे हैं। लेकिन मूल स्वरूप ने ले लिया था कि दोनों की आत्मा जागृत नहीं होनी है, एक साथ आगे पीछे होंगी। अब उस समय छत्रसाल जी ने अपनी जागनी लीला में त्याग करके दिखाया, तो आखिरी की लीला शाकुमार के तन से होनी है। जब जागनी का प्रवाह ऐसा चल जाए जैसे आकाश से पानी की बूंदें गिरती हैं, तो समझ लेना कि शाकुमार की भी आत्मा जागृत हो गई है और वो अपने किए हुए भूल का प्रायश्चित कर रही है। सुंदर साथ में इसी खुशी में नारियल फोड़ करके बधाई दी जाती है कि हमने आधा खेल जीत लिया, यानी शाकुंडल की आत्मा जागृत हो गई। अब महाराजा छत्रसाल खुशी में इतने मग्न हैं कि ले कैसे चलें, उस समय तो लंबे चौड़े दरवाजे होते नहीं थे, सुरक्षा की दृष्टि से पालकी अंदर जा नहीं सकती थी, तो अपनी पाग को बिछा दिया। महारानी ने सोचा कि क्यों न मैं अपनी साड़ी का पावड़ा बिछाऊं,
उस समय राजपूतों में साड़ी के पहनने के बाद भी और कुछ ऊपर से ओढ़ा जाता था, बहुत पर्दे में रहना होता था मर्यादा के साथ। जैसे ही साड़ी बिछा दी, महाराजा छत्रसाल जी ने साड़ी को उठवा दिया कि देखो ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, पहले मेरा अधिकार है। महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी पाग उतार कर जो सिंहासन सजा रखा था अपनी हवेली में, वहाँ तक अपनी पाग बिछानी चाहिए, लेकिन पाग छोटी पड़ गई। महारानी सोचती है कि स्त्री होने की सजा मुझे ये मिल रही है कि मैंने अपनी साड़ी बिछाई थी तो महाराजा ने साड़ी मेरी उठा दी अपने हाथ से, लेकिन श्री जी तो सबके हैं, उन्होंने ऐसी लीला की कि पाग ही छोटी पड़ गई। अब श्री जी ने स्वयं कहा सुशीला महारानी से कि तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो, और सुशीला महारानी ने अपनी साड़ी का पावड़ा बिछाकर अपने भाव पूरे किए। महाराजा छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी को अक्षरातीत का स्वरूप मानकर सिंहासन पर बैठाया और कहा कि धामधनी, मुझे आज आपकी आरती उतारनी है, लेकिन मैं अकेले नहीं उतारूंगा। परम धाम में युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है, तो आपके साथ मैं बैजूराज को सिंहासन पर बैठाऊंगा। यद्यपि श्यामा जी की आत्मा तो महामती जी के धाम हृदय में थी, श्री जी के स्वरूप में थी, लेकिन परम धाम के अद्वैत के सिद्धांत से, स्वलीला अद्वैत की भावना से कि हर आत्मा श्यामा जी का स्वरूप है, महाराजा छत्रसाल जी ने तेज गौरी जी को श्री जी के बगल में बाईं तरफ बैठाया और आरती उतारी। आरती से पहले उनका ही बनाया हुआ छंद है, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से नारे आनंद अखंड पार। ये कौन आए हैं? जो शिव संकाद आदि की इच्छित शेष न पाए पार, अगम जान के निगम कहाए खोज खोज पथियारे। और ये स्वरूप श्री ठकुरानी जी सखियन सुधवत लेने संग पधारे, जान के मुल्तनी अंगना अपने सोघर आए हमारे। स्वयं अक्षरातीत मुझ आत्मा को जगाने के लिए आए, ये मेरे कोई गुरु नहीं है, सतगुरु नहीं है, ये कौन है? अक्षर से भी परे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत ही मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए आए। ये भाव महाराजा छत्रसाल जी का है, और यह कहकर के उन्होंने सब अपने जितने दरबार के बड़े बड़े अधिकारी थे सबको प्रबोधित किया कि देखो सब लोग जितने क्षत्रिय राजपूत हैं मेरे दरबार के अधिकारी हैं, मैं किसी महात्मा की, किसी आचार्य की या अपने गुरु की आरती नहीं उतार रहा हूँ, मेरे घर स्वयं परमात्मा का स्वरूप विराजमान हुआ युगल स्वरूप में, मैं इनकी आरती उतार रहा हूँ, क्योंकि उनको सारे ग्रंथों से प्रबोधित हो चुका था। अब शाकुंडल की आत्मा है, कोई दुनिया का कोरा जीव होता, श्री जी आप देख रहे हैं मंदसौर उदयपुर में जाते हैं कि वहाँ का रणा पहचान नहीं कर पाता है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर पाएगी। दुनिया की जीव सृष्टि में अंतर्दृष्टि नहीं होती, वो बाहर के शरीर को देखती है। यही कारण है कि उदयपुर के में भी जाने पर वहाँ का राणा पहचान नहीं पाता है। अव्वल खान ने पहचान लिया था, उदयपुर का राणा अव्वल खान को चिढ़ाता रहता है कि अरे भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे लिए तो ये प्राणनाथ जी जो है अल्लाह ताला दिख रहे हैं। इसी तरह से यही हालत रामनगर में भी होती है, रामनगर का राजा भी इसी भ्रम का शिकार है, रामनगर का राजा भी प्राणनाथ जी को नहीं पहचान पाता है। हिंदू राजा मुसलमान पहचान लेते हैं, लेकिन हिंदू होकर भी एक हिंदू के तन में आई हुई अक्षरातीत को जीव सृष्टि जो हिंदुओं में होती है वो पहचान नहीं पाती है। अब आरती उतारी जाती है तो जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो घर के बूढ़े लोग होते हैं उनको कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन वो नाक का सवाल बना लेते हैं और खूंटा गाड़ करके बैठ जाते हैं कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। उनको ये एक स्वीकार नहीं है कि एक सूर्यवंशी छत्री किसी महात्मा के चरणों पर अपना शीश रखे। देखिए स्वाभिमान अलग है, अभिमान अलग है। राजपूतों का पतन हुआ भी तो क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, अहंकारी हो गए, स्वाभिमानी नहीं बने। अभिमान मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है।
यदि इन्होंने गुरुकुलों में शिक्षा पाई होती, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो या जो भी राजा महाराजा, तो इनके संस्कार वैसे नहीं रहते, इनके विचारों में श्रेष्ठता होती। यदि देखा जाए तो जयचंद और पृथ्वीराज मौसेरे भाई थे। पृथ्वीराज को चाहिए था कि जयचंद की पत्नी संयोगता, भले ही वो नादानी से उसको चाहती हो, जयचंद को, पृथ्वीराज को उससे विवाह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मौसेरे भाई की पुत्री भी अपनी पुत्री के बराबर होती है। और यही भूल भारतवर्ष के पतन का कारण बने। यदि नैतिक स्तर ऊंचा होता तो देश कभी गुलाम क्यों बनता? चाचा बल दीवान है, महाराजा छत्रसाल जी का चाचा, उनको सबसे अधिक बुरा लग रहा है कि महाराजा छत्रसाल, जब देखो एक महात्मा को ही परमात्मा बना बैठे और उनके चरणों पर अपना सिर भी रख देते हैं, उनका दिया हुआ झूठा प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं, ये तो हमारी राजपूती शान के खिलाफ है। शान शब्द का अर्थ होता है, शान शब्द अरबी फारसी का है, कतई परंपरा का है, अपना स्वाभिमान का, अपने स्वाभिमान का जो द्योतक शब्द होता है उसके लिए शान शब्द का प्रयोग होता है, यानी गरिमा। देखेंगे आप, अर्जुन हमेशा श्री कृष्ण के चरणों में रहे, युधिष्ठिर वैसे संसारिक रिश्ते में बड़े भ्राता हैं, लेकिन युधिष्ठिर के मन में मालूम था कि श्री कृष्ण के सम्मान की कितनी उपयोगिता है। महाभारत के युद्ध की घटना है, दुर्योधन सबके पास जाता है, किस भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कोई भी उसको विजयी भाव का आशीर्वाद नहीं देता है, आयुष्मान भाव सभी कहते हैं। अपनी माँ गंधारी के पास जाता है, गंधारी से भी कहता है कि माँ तुम विजयी भाव का आशीर्वाद नहीं दोगी? गंधारी कहती है कि नहीं बेटे, मैं तुमको विजयी भाव का आशीर्वाद नहीं दूंगी, क्योंकि गंधारी जानती है कि मेरा बेटा पापी है और वो अन्याय से पांडवों के साथ अत्याचार कर रहा है। एक बार दुर्योधन शिकायत कर बैठा है, पितामह आप मुझको विजयी भाव का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? भीष्म पितामह कहते हैं कि दुर्योधन, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सबसे बड़े पतन का कारण है। यदि तुम एक बार युधिष्ठिर के चरणों को हाथ लगा दो तो बिना कहे युधिष्ठिर तुम्हें को सारा साम्राज्य दे देंगे, लेकिन तुम्हारा अहंकार, तुम पाप से पांडवों का राज्य भी हरण कर लिए हो और चाहते हो कि हम तुमको आशीर्वाद भी दे देंगे, ये नहीं होगा। वही संस्कार पड़े हुए थे, वह क्षत्रिय नहीं कहला सकता जिसके अंदर विनम्रता ना हो। शक्ति किसके लिए होती है? रक्षा करने के लिए होती है। जब राजपूतों ने छोटी जातियों को सताना शुरू कर दिया तो उनकी आह उनके पतन का कारण बन गई। एक बात ध्यान में रखिए, आप इतिहास के पन्ने को पलटिए, राणा प्रताप की सबसे अधिक सहायता वहां के वनों में रहने वाले आदिवासियों ने की थी। छत्रपति शिवाजी की सेना में, गुरु गोविंद सिंह की सेना में सबसे छोटी जातियों के लोग थे। जिनको आप छोटा कह करके तिरस्कृत करते हैं, ये याद रखिए, आप इनके कुल और गोत्र पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये भी हमारे पहले के भाई हैं। जिन वाल्मीकियों को आज का सवर्ण वर्ग घृणा की दृष्टि से देखता है कि ये तो सुअर पालते हैं, उनको ये कहानी मालूम नहीं है कि मुगलों से हारने के पश्चात अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जानबूझकर सुअर पालना शुरू कर दिया कि हमारे धर्म का परिवर्तन न होने पाए। राजपूत वीर तो थे, लेकिन आपस में लड़ लड़कर अपनी शक्ति खो बैठे थे। अब उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि छत्रसाल जी का सब कार्य ठीक है, यह हमें स्वीकार नहीं। महाराजा छत्रसाल जी ने उनकी भ्रांति के लिए ये सब कुछ बोला था कि देखो, मैं अपने गुरु की आरती नहीं उतारने जा रहा हूँ, किसी महात्मा को मैंने यहाँ नहीं बुला रखा है, ये पूर्ण ब्रह्म हैं जो अक्षर से भी परे हैं, इन्हीं को वेदों ने खोजा, ऋषि मुनियों ने खोजा, शिव सनकादि आदि के इच्छित शेष न पाए पार, शिव ने, सनकादिक ने, शेष ने इनकी खोज की लेकिन इनका पार नहीं पार। जब सबको शांति हो गई तो महाराजा छत्रसाल जी ने अति प्रेम भाव से युगल स्वरूप की आरती उतारी, और ऐसा एक बार नहीं कई बार किया। महल में श्री जी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, ऐसा करते करते
कुछ समय बीतने लगता है। मन में बलदीवान के कुछ खोट हैं कि छत्रसाल जी लगता है कि भाग गए हैं, एक महात्मा को परमात्मा की तरह बना बैठे हैं और उनको सब कुछ मान करके सेवा करते रहते हैं, तो ये तो उचित नहीं है। धीरे धीरे बलदीवान तारतम तो ऊपर से ले लिया होता है लेकिन अंदर में भावना नहीं है। महाराजा छत्रसाल जी के प्रति उनकी शक की दृष्टि बनी रहती है। महाराजा छत्रसाल जी को कई बार डिगाना चाहा लेकिन जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होती है उसकी सबसे बड़ी संपदा पहला होता है ईमान। इश्क और ईमान उसकी सबसे बड़ी दौलत है। ईमान कब आएगा? वाणी के ज्ञान से। आप वाणी का ज्ञान छोड़ देंगे तो भटक जाएंगे। ईमान यानी अटूट विश्वास, समर्पण। और दूसरा है इश्क। इश्क और ईमान के दो पंख हैं जिसे परमधाम की ब्रह्मात्मा परमधाम की उड़ान भरा करती है। जीव सृष्टि के पास न इश्क होता है न ईमान होता है। ईश्वरीय सृष्टि के पास ईमान भी अटूट होता है लेकिन इश्क प्रेम के स्थान पर बंदगी होती है। वो भक्ति भाव में तो रहती है, प्रेम नहीं होती, प्रेम नहीं होता। प्रेम और भक्ति में क्या अंतर है? भक्ति प्रेम का ही एक रूप है लेकिन प्रेम का अर्थ होता है अनन्य प्रेम, अपना सब कुछ सौंप देना। हृदय के भावों से परमात्मा की भक्ति की जाती है और उसके बदले में मुक्ति की आकांक्षा होती है, दर्शन की आकांक्षा होती है, कुछ पाने की आकांक्षा होती है कि हे परमात्मा मुझे कुछ दे दो। प्रेम कहता है कि नहीं, न मुक्ति चाहिए, न दर्शन चाहिए, न कोई आशीर्वाद चाहिए, मेरा सब कुछ आपका है। आपका, आपके प्रति सर्वस्व जब समर्पण हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम में कामना नहीं होती, प्रेम में अपने को लुटाना होता है, लुटना कुछ नहीं होता है। यह प्रेम और भक्ति में अंतर होता है। ब्रह्मसृष्टि अपना सब कुछ सर्वशक्तिमान अक्षरातीत के चरणों में निछावर कर देती है। महाराजा छत्रसाल जी परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि अमीरुल मोमिनीन है और उनको कोई बलदीवान जैसे 100 लोग भी यदि बहकाएं तो भला कैसे बहक सकते हैं। अब चाचा बलदीवान सोचते हैं क्यों न परीक्षा ली जाए कि यह है कौन। एक बार क्या घटना घटित होती है, बंगले में उस समय आजकल की तरह बंगला जी दरबार नहीं था, घास फूस से अभी बंगला जी का निर्माण हुआ था। बंगले में एक बार परिक्रमा के अंदर श्री जी और लाल दास जी कुछ कुरान के प्रसंगों पर चर्चा कर रहे थे। महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, दूर से देखते हैं। बड़ों का शिष्टाचार कुछ बड़प्पन लिए हुए होता है। नीति की यह शिक्षा है कि जब दो व्यक्ति अकेले में बात कर रहे हों तो बिना उनके स्वीकृति के उनके बीच में जाना नहीं चाहिए। छिप कर न तो किसी की बात सुननी चाहिए, न दो व्यक्तियों के बीच की वार्ता में बिना स्वीकृति के जाने का प्रयास करना चाहिए। छत्रसाल जी वहीं खड़े रह जाते हैं और लालदास जी को संकेत से बुलाते हैं कि लालदास जी क्या बातें चल रही हैं, क्या मुझे भी आने की स्वीकृति है। लालदास जी कहते हैं कि हाँ, हमारे और धामधनी के बीच में कुछ गोपनीय बातें चल रही थी धर्म के संबंध में, पहले मैं श्री जी से पूछ करके आता हूँ तो आपको ले चलूँगा। ये नहीं कहा कि आप महाराजा हैं सीधे चलिए। अब महाराजा छत्रसाल जी को श्री जी के पास जाना पड़ता है। श्री जी से स्वीकृति लाते हैं लालदास जी और महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के पास जाते हैं। श्री जी बताते हैं कि देखो छत्रसाल, जैसे हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में मुझे विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप लिखा है, वैसे ही कुरान के अंदर भी हमारी सारी साक्षी देवचंद जी की बातें हैं, उनको रूह अल्लाह करके लिखा है। मुझे आखरुल इमाम मोहम्मद महदी के रूप में लिखा है, तुमको हारून लिखा है, औरंगजेब को फिरौन लिखा है। शब्द अलग अलग हैं लेकिन ये सारी साक्षियाँ दी गई हैं और मेरी पहचान कुरान के अंदर भी है। जब ये महाराजा छत्रसाल जी ने कहा तो सुना तो उनको जोश चढ़ गया और कहते हैं कि धाम धनी
अब तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। आपके चरणों की कृपा से मैं औरंगजेब को आपके चरणों में झुका करके रहूँगा। तभी उन्होंने कहा, इन मोहम्मद के दिन में जो लावेगा ईमान, छत्र साल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान, जो प्राणा जी के बताए हुए मार्ग पर श्रद्धा रखेगा, छत्र साल जी का तन मन धन सब कुछ समर्पित है। ऐसा जोर कौन करेगा? एकमात्र परमधाम की ब्रह्म सृष्टि। जब महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी की आरती उतारी थी तो क्या किया था? अपना आपा सब दियो, अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। आज तक इस ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी सेवा करने वाले हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी गुरु वशिष्ठ की सेवा की है, द्रोणाचार्य के प्रति एकलव्य ने भी भावना रखी है, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी ने जिस भावना से सेवा की है उस भावना से आज तक न किसी ने की है न भविष्य में कोई करेगा। सबने अपने गुरु को गुरु माना, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी ने प्राणा जी के स्वरूप में आए हुए अक्षरातीत को पहचाना और मैं पहचाना कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ, इसलिए उनकी बराबरी करने वाला आज दिन तक कोई नहीं हुआ। आपको पहले दिन जिस दिन बीतक का प्रारंभ किया गया था मैंने कहा था कि श्री जी के अंतर्धान होने की बात सुनकर महाराजा छत्रसाल जी ने तलवार खींच ली थी कि जब मेरे प्राणनाथ नहीं है तो मैं रहकर क्या करूँगा। फिर हंसते हुए श्री जी ने उनका हाथ पकड़ा था कि छत्ता, क्या तू इस तन को प्राणनाथ समझे बैठा है? देख, जब तेरा घोड़ा के नदी में डूब रहा था तो मेरी पीठ पर देख तुम्हारे घोड़े के निशान बने हैं कि नहीं। मैंने ही तो के नदी से पार निकाला था, इसलिए मैं सब सुंदर साथ के बीच में रहूँगा और सब सुंदर साथ की जागने का उत्तरदायित्व तो तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। जब श्री जी ने छत्रसाल जी को समझाया तब छत्रसाल जी ने संसार में जीना स्वीकार किया, अन्यथा श्री जी के बिना तो एक पल भी छत्रसाल जी दुनिया में रह नहीं सकते थे। यह अटूट प्रेम था, अटूट श्रद्धा थी, अटूट समर्पण था। इसलिए कहा है, पहले दाता हम भये जो गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता सतगुरु भये जो सब कुछ किन्नो बख्शीश। महाराजा छत्रसाल जी ने अपना तन मन सब कुछ निछावर कर दिया था श्री जी के चरणों में। तभी श्री जी ने महाराजा छत्रसाल जी का भी तिलक कर दिया था, कहा कि छत्रसाल छत्ता हुए छिपे सब सुल्तान। श्री जी ने हुक्म की शक्ति दे दी महाराजा छत्रसाल जी को, हुक्म हाथ छत्रसाल को दियो सो अपनो राज। छत्रसाल जी को तिलक करके श्री जी ने कहा कि छत्रसाल आज से तू महाराजा है और अपने हुक्म की शक्ति तुझको देता हूँ। हुक्म की शक्ति देने का तात्पर्य जो तेरे दिल में आएगा उसको मैं अवश्य पूरी करूँगा। ये श्री जी ने महाराजा छत्रसाल जी को ये वरदान दे दिया था। और उसके पहले महाराजा छत्रसाल जी क्या थे? एक छोटे से राज्य के जागीरदार समझ लीजिए, कोई राजा भी नहीं थे, क्योंकि माता पिता के बचपन में ही मृत्यु हो चुकी है। छत्रसाल जी का जीवन कष्टों में बीतने लगा था। छोटी मोटी सेना इकट्ठी करके छापामार युद्ध किया करते थे, शिवाजी से मिल चुके थे, छापामार युद्ध का प्रशिक्षण उनको प्राप्त हो चुका था। लेकिन जब प्राणनाथ जी का वरद हस्त उनके ऊपर आता है तब वो महाराजा हो जाते हैं। इत चंबल उत नर्मदा इत यमुना उत टोंस, छत्रसाल सो लड़न की रही न कांस। पूरे देश में मुगल सेना उनके नाम से थर थर कांपती थी। जो भी मुगल सैनिक सेनापति उनके पास जाता था युद्ध में, या तो हार करके आता था या मौत को गले लगा करके आता था। जब औरंगजेब किसी को भी भेजता था मुगल सेनापति को, तो वो सेनापति सोच लेता था कि अब दुनिया में मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ, छत्रसाल जी के आगे जाने का मतलब मौत को निमंत्रण देना है। अब सबसे पहले एक महोबे के काजी अब्दुल रसूल को बुलाया जाता है कि आखिर क्या कारण है कि ये प्राणनाथ जी कहलाते तो छत्रसाल जी के गुरु हैं, कुरान को पढ़ा करते हैं। महोबे का काजी अब्दुल रसूल आता है और उसकी वार्ता होती है लालदास जी से।
श्री जी से वार्ता नहीं होती है, श्री जी दरबार में बैठे होते हैं, लाल दास जी कुरान के प्रसंग पर चर्चा करते हैं। अब काजी अब्दुल रसूल उसको अपने कुरान के अध्ययन का बहुत अधिक अभिमान था। कहता है कि लाल दास जी, कुरान पढ़ते पढ़ते मेरे सिर के बाल तो क्या मेरी दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए। मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और मेरे पढ़ाए हुए बड़े बड़े राजसत्ता के पदों पर हैं। आपको जो भी पूछना हो पूछिए। लालदास जी पूछते हैं कि बताइए कितनी तरह की पैदाइश है। वो कहता है कि 5 तरह की। आप बताइए कहाँ कहाँ पर हैं। कुरान के तीसरे पारे की व्याख्या में, तफ़सीर हुसैनी की व्याख्या में 5 तरह की पैदाइश है। वैसे कुरान में कई प्रसंगों में दी गई है। ब्रह्म सृष्टि को अंगूर कहा है, ईश्वरी सृष्टि को खजूर कहा है और जीव सृष्टि को खेती कहा गया है। लालदास जी पूछते हैं कि जो 5 तरह की पैदाइश है वो कौन कौन है। तो बताते हैं कि एक है कुन्न की पैदाइश, एक है आम यानी ईश्वरी यानी कुन्न की पैदाइश जिसको आम खलक कहते हैं, दूसरी है खास ईश्वरी सृष्टि और तीसरी है खासल खास। दूसरे शब्दों में एक हाथ की, एक दो हाथ की। एक हाथ की कौन सी सृष्टि है जो शरीयत पर चलती है यानी, और दूसरी है दो हाथों की, मूल इब्तदाए की और दूसरी है खिलकत की। मूल इब्तदाए की कौन यानी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि। लालदास जी पूछते हैं कि ये बताइए आप इसमें से कौन के हो। मूल इब्तदाए के हैं, खिलकत की हैं या एक हाथ की हैं कि दो हाथ के हैं या कुन्न की हैं। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि बिना इल्मे लदुनी के, तारतम ज्ञान के, वो क्या उत्तर देता। यदि वो कहता है कि मैं कुन्न की हूँ तो बहिस्तों का अधिकारी नहीं हो सकता। यदि वो कहता है काजी रसूल अब्दुल रसूल कि मैं दो हाथ का हूँ, तो भी उसको समझ नहीं है कि दो हाथ की कौन है। यदि वो कहता है कि मैं मूल इब्तदाए का हूँ, पूछा जाए कि मूल इब्तदाए की सृष्टि कहाँ रहती है, तो क्या उत्तर देता है। इसलिए चुप हो जाता है और कहता है कि ये तहकीक जमाने का खावंद जो करी थी शरत, सो शरत आए पहुँची इत फरदा रोज क्यामत। ये जो स्वरूप हैं ये वही स्वरूप है जिनके लिए कुरान हदीसों में लिखा है कि अल्लाह ताला की शक्ति जिस तन में आने की कही गई है कुरान हदीसों में, ये वही स्वरूप है। बलदीवान के मन में शक आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो शक की प्रकृति का बहुत ज़्यादा था कि पैसे दे करके ये बात कहवाई जा रही है। वो भरी सभा के बीच में कह देता है कि काजी रसूल, एक हिंदू वैरागी को तुम अल्लाह ताला की पदवी दे रहे हो कि जिस अल्लाह ताला ने इमाम महदी के रूप में आने को कहा था ये वही है, क्या तुम्हें कुछ लोभ हो गया है क्या। अब्दुल रसूल को बहुत बुरा लगता है और कुरान को सिर पर रखकर कसम खा करके कहता है कि यदि मैं झूठा बोल रहा हूँ तो ये कुरान मेरा नाश कर दे, क्योंकि किसी इतने बड़े विद्वान को जिसके चरणों में न जाने कितने लोग, हजारों लोग पढ़ करके जा चुके हों, भरी सभा के बीच में कहना कि तुम लोभ के कारण एक हिंदू महात्मा को आप अल्लाह का दर्जा दे रहे हो, हमें स्वीकार नहीं। उसने कह दिया कि ये कुरान है, मैं इसको सिर पर रखकर सौगंध खाकर कहता हूँ कि इनके अंदर अल्लाह ताला की शक्ति है। अब संशय तो कुरान से चला गया। अब उसने सोचा बल दीवान ने हिंदुओं का पक्ष है, उनसे भी बिना शास्त्रार्थ किए कैसे ये बात मानी जाएगी। सुंदर, बल्लभ और बद्री उस क्षेत्र के 14 विद्या के प्रखंड पंडित माने जाते थे। सुंदर, बल्लभ, बद्री भले मिले कलमान, 14 विद्या निपुण हैं पर एक को जाना तिना है। ये छत्रसाल जी ने उनके संबंध में कहा था। सारे पंडितों में से 3 पंडितों को चुना गया, सुंदर, बल्लभ, बद्री को। उन्होंने उनमें से बद्रीदास को चुना। बद्रीदास जिन्हें श्री जी से शास्त्रार्थ करने के लिए
निश्चय किया, लेकिन उनका शस्त्रार्थ महाराजा छत्रसाल जी स्वयं करते हैं उनसे। छत्रसाल जी केवल तलवार के ही धनी नहीं है, ज्ञान में भी अग्रणी है। उनकी तलवार का लोहा सारा देश मानता है, तो ज्ञान में भी उनके सामने सब लोग नहीं टिक पाते। छत्रसाल जी ने उनसे पूछवाया कि देखिए मेरे ये प्रश्न है, जब कुछ अखंड ब्रज राज परमधाम के संबंध में प्रश्न किया, त्रिधा लीला के संबंध में प्रश्न किया, तो बद्रीनाथ दास कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण परमात्मा के सिवाय कोई भी संसार में नहीं दे सकता। कोई भी विद्वान पंडित इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं है, और लिख करके दे दिया। लेकिन जब वो गया शास्त्रार्थ के पश्चात, तो जो उसके दोनों साथी थे सुंदर और वल्लभ, दोनों ने फटकार लगाई कि ये बताओ, हम ब्राह्मणों का सारा हिंदू समाज सम्मान करता है और तुम एक छत्री से हार गए, तो बताओ कौन तुम्हारी पूजा करेगा, और जो इतनी खीर पूड़ी मिलती है कहाँ से मिलेगी। तुम्हें किसी भी तरह से शास्त्रार्थ जीतना है, यही कलयुग में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग हार जीत को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं। शास्त्रार्थ का आशय होता है कि सत्य के निर्णय के लिए की जाने वाली वार्ता, इसमें सत्य और सत्य का निर्णय किया जाता है, व्यक्तिगत जीत और हार का कोई प्रश्न नहीं होता। आज के युग में ऐसा है कि कोई भी विद्वान अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो अपनी झूठी बात को इतने जोर जोर तरीके से चिल्ला चिल्ला कर कहेगा जैसे वही सच बोल रहा है, और सत्य को दबाने का प्रयास किया जाता है। ये कलयुग में ये लगभग हजार वर्षों से ये भ्रांति चल पड़ी है कि शास्त्रार्थ जितना हो तो खूब शोर मचा दो, चिल्ला चिल्ला कर दूसरे पर ऐसे उल्टे सीधे तर्क करो कि आपकी गलत बात भी सही साबित हो जाए, और दूसरे की सही बात को भी आप आवाज़ की शक्ति से दबा दो। उन दोनों पंडितों ने उसको बहुत ताने मारे, बहुत खरी खोटी सुनाई, और उसको कहा कि देखो कुछ बनावटी प्रश्न हम बनाते हैं, इन प्रश्नों को ले जाकर छत्रसाल जी से पूछो और कह दो कि कल का जो निर्णय हुआ हम नहीं मानते। बद्रीदास सवेरे सवेरे, क्योंकि बलदीवान भी यही चाहते थे कि उनको मालूम था कि काजी अब्दुल रसूल ने तो पहले ही हार मान लिया है, अब हिंदू भी लिख कर दे देंगे तब तो ये बात माननी ही पड़ेगी कि छत्रसाल जी के जो गुरु हैं सचमुच में परमात्मा के स्वरूप हैं। अब शास्त्रार्थ में दोबारा आते हैं बद्रीदास, और प्रश्न जब लिखते हैं छत्रसाल जी उन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये तो प्रश्न बनावटी हैं, ये तो प्रश्न भागवत में ये विषय ही नहीं लिखे। छत्रसाल जी को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि देखो बद्रीदास, तुम कहलाने के लिए पंडित हो, ब्राह्मण हो जन्म से, आचरण से तुम कैसे हो। कल तुमने भरी सभा के बीच में कहा था कि इन प्रश्नों का उत्तर सारे संसार में परमात्मा के सिवा कोई नहीं दे सकता, और अभी तुम अपना वचन तुमने बदल लिया, तुमको झूठ बोलने में लज्जा भी नहीं लगती, और कह दिया कि अब से कोई भी बुंदेला राजपूत ऐसे पंडितों को प्रणाम नहीं करेंगे, और इनके हाथ से अपने सिर पर जो आशीर्वाद जो शादी विवाह में लेते हैं जिसको मोर बांधना कहते हैं, इनके हाथ से नहीं करवाना। छत्रसाल जी ने भरी सभा के बीच में कह दिया। बद्रीदास भयभीत हो गए, कहा कि महाराज मैं क्या करूं, पंडितों ने मेरी बुद्धि को बदल दिया, उनके दबाव में मैं ये प्रश्न लाया हूं, मैं दिल से नहीं चाहता, जो मैंने कल कहा था मैं उसी बात पर अड़िग हूं, लेकिन पंडितों के दबाव में मुझे ये प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने पड़े। अब बलदीवान को जब पता चलता है तो बलदीवान का सिर नीचा हो जाता है, और बलदीवान अब श्रद्धापूर्वक श्री जी के चरणों में शीश झुकाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, महाराजा छत्रसाल जी चर्चा में आते हैं, श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं कि कई साल बीत गए होते हैं। मैंने आपको कहा है कि मेड़ते के जो राजा राम और झांझन भाई, जब श्री जी 1732 में लगभग मेड़ता आए थे, 33-34 का समय होगा, उस समय से मेड़ता के राजा राम और झांझन भाई ने सारे सुंदर साथ की सेवा स्वीकार की होती है। सभी सुंदर साथ के खाने पीने का खर्चा
वहीं से आता था। आपस में खुसुर फुसुर होने लगती है कि प्राणनाथ जी के पास कोई रसायन है क्या, कहाँ से धन आता है, क्योंकि आपको विदित है उस समय बुंदेलखंड इतना समृद्ध नहीं था। और स्वाभाविक है कि 5000 की संख्या में सुंदर साथ थे। अभी तो देखिए वितक में कितने का भोजन बनता है, मैं समझता हूँ 200-250 से ज़्यादा का भोजन अभी ज्ञानपीठ में नहीं बनता होगा। 5000 सुंदर साथ श्री जी के साथ रह रहे हों, 3 साल बीत गए हैं, छत्रसाल जी के पास तो इतना धन था नहीं, कहाँ से सेवा करते। जब ये बातें चलने लगी बल दीवान के मन में भी संशय हो गया और सबके मन में संशय होने लगा कि लगता है ये लोहा से सोना बनाना जानते हैं, तभी तो इतने खर्चे की व्यवस्था होती है। एक बार आकर के श्री जी से पूछते हैं कि धामधनी आप ये बताइए, सबके मन में संशय है सुंदर साथ के खर्च की व्यवस्था कहाँ से होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। श्री जी ने लालदास जी को कहा कि लालदास जी जितनी हुंडियाँ हैं सबके हिसाब किताब ला करके छत्रसाल जी को दिखाओ। छत्रसाल जी ने देखा कि अरे इतने वर्ष हो गए, लगभग 10 वर्षों से केवल 2 सुंदर साथ मेड़ते के हैं राजा राम उछाचन भाई, 5000 सुंदर साथ का खर्चा अकेले ही उठा रहे हैं और मैं महाराजा कहलाता हूँ, मुझे तो डूब मरना चाहिए, मेरे घर आए बैठे हैं स्वयं अक्षरातीत, मैंने इनकी सेवा क्या की है। बहुत दुखी हुए और अपने महल में जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। रोते रोते उनकी आंखें सूज गईं, सबको सख्ती से कह दिया था कि कोई भी महारानी मेरे दरवाजे को खुलवाएगी नहीं। अब छत्रसाल जी की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता था। दोपहर का समय हो गया, छत्रसाल जी ने भोजन नहीं किया क्योंकि मालूम था महारानियों को कि महाराज इस समय रो रहे हैं और इस अवस्था में दरवाज़ा खुलवाने का साहस किसी में नहीं था। महारानियों ने जाकर चाचा बल दीवान से कहा कि चाचा महाराज भूखे हैं, भूखे तो क्या वो बहुत व्यथित हैं और दरवाज़ा बंद किए बैठे हैं, आप ही का साहस है जो दरवाजे को खुलवा सकते हैं। चाचा बल दीवान भले ही बहमी थे लेकिन आखिर छत्रसाल जी को बचपन से पाला था क्योंकि उनके पिता ने छत्रसाल जी का सारा उत्तरदायित्व बल दीवान को सौंपा था। दरवाज़ा खुलवाया, बहुत मुश्किल से छत्रसाल जी ने दरवाज़ा खोला, देखा कि छत्रसाल जी की आंखें रोते रोते सूज गई हैं। बल दीवान को बहुत पीड़ा हुई, कहा कि छत्रसाल मैं तुम्हारा दुख देख नहीं सकता, तुम अपने मन की पीड़ा तो बताओ, तुम आज इतने दुखी क्यों। छत्रसाल जी कहते हैं कि चाचा जब से धामधनी आए हैं पन्ना जी में तब से तुमने हमेशा बहम डाला, कभी कोई आरोप लगाते रहे कभी कोई आरोप लगाते रहे। आप लोगों ने ये बात चलाई कि छत्रसाल जी के पास सोना बनाने की कला है, लोहा से सोना बना लेते हैं और उसी से इतने हजारों लोगों का भोजन चलता है। आपको मालूम है कि पिछले 10 वर्षों से इन 5000 सुंदर साथ का खर्च मेड़ते के 2 सुंदर साथ राजा राम और झांझन भाई दे रहे हैं और हम क्षत्रिय राजपूत होकर कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। श्री जी की सेवा तो हम कुछ नहीं कर सके, उल्टे बहम ही बहम करते रहे। बल दीवान ने कहा कि देखो छत्रसाल, तुम क्षत्रिय राजपूत हो, श्री जी ने तो तुम्हें हुक्म की शक्ति दी है, तुम यह तरीका करो, श्री जी से कहो कि धामधनी आपको मैं हम हथनी पर मैं बैठाता हूँ, आप चलिए सेना को आगे चलाओ और जितने राजा मिलते हैं नवाब मिलते हैं उनको युद्ध के लिए निमंत्रण दो, उनको कहो कि प्राणनाथ जी से शस्त्रार्थ करें, यदि वो हार जाते हैं तो जो टैक्स औरंगजेब को भेजते हैं औरंगजेब को नहीं भेजेंगे तुम्हारे खजाने में आएगा और उसी पैसे से तुम सुंदर साथ की सेवा करो, यह तुम कर सकते हो। अगले दिन
महाराजा छत्रसाल शिव श्री जी के पास आए और कहते हैं कि धामधनी, मैं चाहता हूँ कि ये जो राजा राम और झाझन भाई इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, वह सेवा का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा जाए और इसके लिए आप कृपा कीजिए। उन सब वो राजा राम झाझन भाई को भी आप पन्ना जी बुला लीजिए, सेवा मुझे दे दीजिए। श्री जी को तो मालूम है कि छत्रसाल जी सेवा कहाँ से करेंगे, पन्ना में इतनी आमदनी ही नहीं, उनका छोटा सा राज्य है। कहते हैं कि देखो, सेवा तुम्हें अवश्य मिलेगी, कल तुम अपना घोड़ा लेकर के आओ। और कुछ नहीं कहा, सवेरे सवेरे घोड़ा लेकर छत्रसाल जी पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि देखो, जितना दूर तुम घोड़ा को दौड़ा सकते हो उतनी दूर दौड़ा करके संध्या सूर्यास्त होने से पहले मेरे पास आओ। अब जो आदेश हो तो पालन करना पड़ेगा। महाराजा छत्रसाल जी घोड़े को दौड़ाते हैं कई किलोमीटर के क्षेत्र में, पूरे पन्ना के चारों तरफ अपना घोड़ा दौड़ाते हैं। दौड़ा करके जब श्री जी के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं, श्री जी कहते हैं कि देखो छत्रसाल, जहाँ तक तुम्हारे घोड़े ने दौड़ लगाई है वहाँ तक की धरती सोना उगला करेगी, हीरा उगला करेगी, उस हीरे से तुम मेरी सेवा कर सकते हो। छत्रसाल जी कहते हैं कि धामधनी, या तो कोई सेवा नहीं हुई, ये तो आपके आशीर्वाद से निकला हुआ हीरा है, आपके आशीर्वाद से निकले हुए हीरे से मैं आपकी सेवा करूं तो ये क्या सेवा हुई? आपने मुझे हुक्म की सेवा दी है, अब मैं निवेदन करता हूं कि मैं सेना सजाता हूं, सेना के आगे हाथी पर मैं आपको बैठाऊंगा और सेना के आगे आगे सेनापति बनकर के मैं चलूंगा। जितने देश में राजा हैं और नवाब हैं, जो भी मिलेंगे जागीरदार हैं, सबसे आपका साक्षात कराऊंगा, हिंदुओं के पंडितों से और मुसलमानों के मौलवियों से। हिंदुओं को लिख करके देना होगा, साक्षात में हारते हैं तो उनको लिख कर देना होगा कि आप ही विजयावनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं। और जो मुसलमान मौलवी हारते हैं तो उनको भी लिख कर देना होगा कि आप ही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबी जुमा। और वही हुआ, छत्रसाल जी सेवा सेना लेकर के चलते हैं, राट खड़ोत कालपी जगह जगह जाते हैं। कालपी के मौलवियों ने लिख करके महजरनामा लिख करके दिया और उस महजरनामे को औरंगजेब ने पढ़ा, पढ़ करके सिर नीचा कर लिया। कालपी के मौलवियों ने खुलेआम कुरान हदीसों की साक्षी देकर के लिखा है कि हम यह बेशक स्वीकार करते हैं कि यही आखरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा है। श्री जी छत्रसाल जी के साथ हाथी पर बैठकर पूरे देश में जगह जगह जाते हैं और धीरे धीरे अंतोगत्वा चित्रकूट पहुँचते हैं। चित्रकूट में क्यामत नमा उतरता है। श्री जी वहाँ कुछ समय तक रहते हैं, अपनी रानी को भेज देते हैं महाराजा छत्रसाल वहाँ सेवा के लिए। बसंत सुर्खी जो वहाँ का राजा होता है कहता है कि आखिर परमात्मा तो सबका होता है, छत्रसाल के ही परमात्मा है तो क्या मेरे नहीं, इसलिए मैं अब सेवा करूँगा। छत्रसाल जी को अब सेवा करने का इतने समय तक बहुत अवसर मिला, अब आगे की सेवा मेरी होनी चाहिए। श्री जी चित्रकूट में कुछ समय तक रहते हैं और वहाँ पर क्यामत नामा का ग्रंथ अवतरित होता है, उसमें महाराजा छत्रसाल जी के नाम की शोभा दी गई है। आप देखेंगे यह कहानी, यह घटनाक्रम भी तक का यह प्रसंग पन्ना जी का है, किस प्रकार से परमधाम की आत्मा शाकुंडल के रूप में अक्षरातीत श्री जी की बाट देख रही थी, कैसे कैसे उन्होंने अपने समर्पण से, श्रद्धा से, प्रेम से श्री जी के चरणों में अपना सब कुछ सौंपा और अमीरुल मोमिनीन यानी ब्रह्म सृष्टियों में सर्वोपर कहलाने की शोभा प्राप्त की। युगल स्वरूप की आरती तो सूरत में भी सबने उतारी थी, लेकिन वह पहचान नहीं जो महाराजा छत्रसाल जी ने की थी, और उसी पहचान के कारण महाराजा छत्रसाल जी को इतनी बड़ी शोभा मिली। सब सुंदर साथ में सर्वोपर, छत्रसाल जी का तन मन धन सब कुछ प्राणनाथ जी के चरणों पर समर्पित हो गया। कभी कबीर दास जी ने कहा था कि सिर दिए सतगुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जान, इसको चरितार्थ किया महाराजा छत्रसाल जी ने।
और श्री जी का वरद हस्त जब उनके ऊपर पड़ा तो छत्रसाल जी एक छोटे मोटे राजा, तो क्या राजा का भी पद नहीं था उनके पास, पूरे बुंदेलखंड के राज महाराजा बन गए। समय ऐसा भी आ गया कि दिल्ली की सल्तनत महाराजा छत्रसाल जी का नाम सुनते ही कांपती थी। वो सोचती थी, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो वो सोच रही थी दिल्ली की सल्तनत कि महाराजा छत्रसाल जी यदि आ जाएं तो हमें बहुत बड़ी बख्शीश मिलेगी। कोई भी राजसत्ता आध्यात्मिक सत्ता के वरदान से ही फलीभूत होती है, और महाराजा छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी के चरणों की कृपा मिली जिससे उन्होंने ऐसी सुव्यवस्थित राज प्रबंधन किया था, ऐसा सुव्यवस्थित प्रबंधन किया था कि लोगों को उसमें राम राज की झलक मिलने लगी। तो क्या ऐसा लगने लगा कि कोई व्यक्ति दुखी नहीं है, जहाँ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती हो, कहीं कोई कष्ट न हो, पूरे राज्य में हर कोई सुखी था। ये बीतक का यह प्रसंग है। आगे की चर्चा, आज तो महाराजा छत्रसाल जी का श्री जी से मिलाप था इसलिए पन्ना जी का प्रसंग करना पड़ा, क्योंकि बीतक थोड़ी सी लेट हो गई थी। कल आप सुनेंगे किस तरह से मंदसौर से श्री जी औरंगाबाद जाते हैं, औरंगाबाद से पुनः रामनगर आते हैं, और रामनगर से पन्ना जी आते हैं। अब चुपाई दे रहे श्री महामति कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात, जब आए तुम परनामिनी तब किए विख्यात, तब किए विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।